टरंग टरंग टरंग, ₹1000 में मैं कितना स्ट्रीट फूड खा सकती हूँ? लेट्स फाइंड आउट। हाय गाइस, आई एम प्रियंका और आज मैं करने वाली हूँ ₹1000 स्ट्रीट फूड चैलेंज इन मुंबई। सो कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, आज का फूड चैलेंज करने के लिए मैं आ गई मुंबई के महावीर नगर में। और आज के फूड चैलेंज में चैलेंज ये कि ₹1000 के अंदर मुझे खाने कम से कम 10 स्ट्रीट फूड आइटम्स। तो सबसे पहले देखिए, बड़ी सुंदर सी बोरीवली वड़ा पाव सेंटर की मुझे कार्ड दिखे, जहाँ पे गाइस ये गर्मा गर्म, हाँ ये गर्मा गर्म समोसे मुझे दिखे, बड़े अच्छे लगे। और ये क्या है, ये तो बन जैसा कुछ दिख रहा है मुझे। मुझे लगता है बन को जो है इन्होंने बेसन के अंदर तल लिया। यहाँ पे है भजिए, अरे वाह क्या बात है, बारिश के मौसम में गर्मा गर्म भजिए। और यहाँ पे क्या दिख रहा है, अरे गाइस ये देखो, यहाँ पे दिखा है मुझे उल्टा वड़ा पाव। मुझे लगता है वो जो मोटो मोटो है ना, वो शायद उल्टा वड़ा पाव हो। तो ये उल्टा वड़ा पाव के अंदर चीज वीज डालेंगे, सब डाल के मिलते हैं, तो हमको बना दीजिएगा एक उल्टा वड़ा पाव। सो ये देखिए गाइस, यहाँ पे मेरा उल्टा वड़ा पाव बनना स्टार्ट हो गया। सबसे पहले लिया इन्होंने बन, उसके अंदर लगाई इन्होंने मस्त मस्त चटनियाँ शटनियाँ। अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या लगेगा। अब आ गई ये, ओ ये आ गया आलू का वड़ा, ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है। भैया ने डाली है ढेर सारी इसके अंदर चीज चीज सॉस, ओ माय गॉड। एंड ये देखिए गाइस, अब ये जो बन है ये गया सीधे सीधे बेसन के अंदर। और ये ओरे बाप रे, ये तो कितना बड़ा उल्टा वड़ा पाव बन के आएगा। एंड गया भी सीधे कढ़ाई के अंदर, ओहो हो क्या मस्त मस्त ये डीप फ्राई हो रहा है, एकदम पाइपिंग पाइपिंग हॉट। इसको देखते ही मैं बोलूँ मजा आ गया। ये देखिए गाइस, कढ़ाई से सीधे आ गया है यहाँ पे मेरा उल्टा वड़ा पाव। भैया ने इसकी कटिंग शटिंग कर दी, अब देखते हैं इसको किस तरीके से सजाया जाएगा। तो ये देखिए इसके अंदर, ये देखिए जहाँ कटिंग करी है वहाँ लाइनों के अंदर भैया डाल रहे हैं अपना मीठा मीठा सॉस, मीठी मीठी चटनी। और ये आ गई इसके ऊपर हरी हरी चटनी। एंड गाइस अब आया ये इनका गार्लिक वाला वो सूखा मसाला जो अक्सर हमको बन के अंदर डाल के देते हैं। और ये अब गार्निशिंग हो रही है गाइस इनकी, ये चीज चीज सॉस के साथ। आइसिंग ऑन द टॉप इज लोड्स एंड लोड्स ऑफ चीज। वाओ यार, ये उल्टा वड़ा पाव तो सच में बड़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। सो गाइस, ये आ गया मेरा उल्टा वड़ा पाव जो मुझे पड़ा है पूरे के पूरे ₹50 का। सो जस्ट हैव अ लुक, ये देखिए कितना बड़ा ये उल्टा वड़ा पाव है। इसको पूरा चीज के साथ ढक दिया, उसके ऊपर इन्होंने गाइस डाली है ये हरी हरी मिर्ची और थोड़ा सा गार्लिक पाउडर भी डाली है, जो गार्लिक चटनी वड़ा पाव के साथ दी जाती है। ये दिखने में ना बड़ा अमेजिंग दिख रहा है। तो चलो अभी है इसकी टेस्ट टेस्टिंग टाइम। ओ माय गॉड, जस्ट लुक एट दिस, कितना बढ़िया दिख रहा है। ओ माय गॉड, दिस इज सो गुड। इन्होंने सबसे अच्छी चीज है वो चीज सॉस लगाई है, मेयोनीज भी लगाई है। इन्होंने इस उल्टा वड़ा पाव को बनाने के लिए यूज करा है बर्गर बन, जिसने बिल्कुल भी ऑयल जो है सक नहीं करा है। तो वाकई ₹50 में तो ये फुल पैसा वसूल है। सो गाइस, अब मार्केट में आगे चलते चलते मुझे एक बड़ी अतरंगी चीज दिखी। यहाँ पे बन रहे हैं डोसे, वो भी बड़े फ्यूजन काइंड ऑफ डोसे बन रहे हैं। तो भैया ये बताओ, डोसे कौन कौन से आपके पास? पीनट डोसा है आपके पास? और ये जो ये ऐसे मीनार जैसा खड़ा, ये कौन सा डोसा है? बुर्ज खलीफा डोसा। और यार बुर्ज खलीफा डोसा मिल रहा है तो। अच्छा पिज्जा डोसा कितने का है? 160। अच्छा अरे गाइस, ये तो 160 का होगा, तो मुझे आगे लगता है कुछ सस्ता मंदा खाना खाना पड़ेगा। और बुर्ज खलीफा डोसा कितने का है? 260। अरे अरे नहीं नहीं, इतना बजट नहीं है, तो ऐसा करो हमको पिज्जा डोसा लगा देंगे। ये देखिए गाइस, यहाँ पे हमारा पिज्जा डोसा बनना जो है स्टार्ट हो गया है। एंड गाइस, यहाँ पे जा रहे हैं बहुत सारे वेजिटेबल्स, प्याज टमाटर कैप्सिकम। और ये भैया ने डाली अपनी स्पेशल शेजवान चटनी एंड इतना सारा बटर, ओ माय गॉड। एंड यहाँ गए इनके कुछ स्पेशल स्पेशल मसाले जो दिखने में बड़े ही फैंटास्टिक से लग रहे हैं। एंड ये आ गई अब गाइस टमेटो केचप पिज्जा सॉस। एंड यहाँ पे इस डोसे को नहला धुला दिया गया है एकदम मेयोनीज मेयोनीज के साथ। ये देखिए जितनी सारी सब्जियां थी मेयोनीज थी, कितने सुंदर तरीके से पूरे डोसे के ऊपर फैला दिया गया है गाइस एकदम। एंड अब बारी आ गई है गाइस चीज की, क्योंकि पिज्जा के ऊपर होती है ढेर सारी चीज, तो डोसे के ऊपर भी गई है चीज चीज चीज। सो गाइस, ये आ गया मेरा पिज्जा डोसा जो मुझे पड़ा है पूरे के पूरे ₹160 का। सो जस्ट हैव अ लुक, ये देखिए क्या गजब का पिज्जा डोसा दिख रहा है, एकदम थिनली स्लाइस पिज्जा डोसा है ये। और इसके साथ गाइस यहाँ पे दिए दो तरीके की नारियल की चटनियाँ, ये सफेद वाली और ये रेड वाली है। इसके अंदर टॉपिंग्स में भैया ने सिर्फ कॉर्न ही डाले हैं। तो चलो सबसे पहले हमें अपना पतला स्लाइस उठाते गाइस, इसको हम पहले ऐसे रोल करेंगे, क्योंकि ये पिज्जा की तरह मुझे नहीं लगता मैं खा पाऊंगी। अमेजिंग बन के आया है पिज्जा डोसा की, मैं आपको क्या बताऊं। इसके अंदर इन्होंने जो चटनियां वटनियां सॉस वॉस डाली है ना, मैं सही बोले एकदम एकदम कमाल का स्वाद आ रहा है डोसे के अंदर। सो गाइस, यहाँ महावीर नगर में मैं सरप्राइज हो गई कि यहाँ पे मिलना कोरियन फूड। तो चलो देखते हैं ये कितने का है। यहाँ पे मिल जाएगा हॉट एंड स्पाइसी कोरियन नूडल्स। तो भैया, हेलो भैया, ये कोरियन फूड में सबसे बढ़िया
स्पाइसी हो, ज्यादा स्पाइसी नहीं हो, हल्के फुल्के स्पाइसी हो। फ्लेवर और चीज रामेन बार। कितने कितने के है ये? 190 रुपीस। 100 में क्या दे रहे हैं? सिंगल क्वांटिटी है मैम। अच्छा सिंगल क्वांटिटी है, ज्यादा तीखा तो नहीं होगा ना? तो हमको ये एक बना दीजिएगा, निशान हॉट एंड स्पाइसी कोरियन वेज। और जोलो चिप्स क्या करे, जोलो चिप्स बनाते हो? ओह माय गॉड, नहीं नहीं नहीं, ये मैंने खाया था गाइस 3-4 दिन तक, मेरे तोते उड़े हुए थे, मैं आपको सही बोलूं एकदम डेडली है। सो गाइस ये आ गए मेरे 100 रुपीस के कोरियन नूडल्स। जस्ट हैव अ लुक, देखिए एकदम पाइपिंग हॉट और एकदम रेड 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 ये नूडल्स लग रहे हैं। मुझे लगता है बहुत ज्यादा तीखे होंगे। एंड गाइस मैं देख रही हूँ मुंबई के अंदर कोरियन फूड का चलन बहुत ज्यादा आता जा रहा है। यहाँ पे भैया के पास 100 रुपए से लेके 400 रुपीज तक के कोरियन नूडल्स अवेलेबल। और ये जो ड्रिंक है ना, ये ड्रिंक आप गेस करो कितने की होगी गाइस? ये जो ड्रिंक है ये है 1200 रुपीज की गाइस। तो मेरे तो बजट में नहीं है, तो मैं शराफत से गाइस को यहाँ रख देती हूँ, अपने 100 रुपए के प्यार से ना नूडल्स ही खा लेती हूँ। अरे बापरे एकदम भाप निकल रही गाइस, एकदम गर्मा गर्म नूडल्स बन के आए हैं। बापरे बाप, भैया ने इसमें भर भर के चिली ऑयल डाल दिया। को खाते भाई बहुत ज्यादा मिर्ची लग रही है, मुझे लगता है बारिश के मौसम में इसको खाते हैं ना एकदम से एकदम स्पाइसी हॉट 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 हो जाऊंगी। कोरियन नूडल्स तो इतने स्पाइसी थे कि मैं आपको क्या बताऊं। यहाँ देखो भैया आप क्या बना रहे हो? कोल्ड कॉफी है। और कितने की है? 70 रुपए की। अच्छा कोल्ड कॉफी के अलावा और क्या क्या है? शेक वेक भी कुछ है? हाँ, मिल्क शेक है, मॉकटेल है। तो वो कितने के? वो भी 70 रुपए में मिलेंगे? नहीं मिलेगा। अच्छा तो मुझे तो तीखा लग रहा है, तो मेरे को तो जल्दी से कोल्ड कॉफी बना दो, एकदम मीठी कड़क मीठी बनाना। वो कोरियन नूडल ने तो मेरा मुंह जला दिया। भैया ये आपकी गाड़ी में बिजली कैसे आ रही है? गाड़ी की वो बैटरी से लिया क्या? बैटरी। बहुत ही क्यूट सी कार के अंदर इन्होंने जो है अपना शॉप लगाया है। सो गाइज ये आगे मेरी कोल्ड कॉफी है, नाउ इट्स टेस्टिंग टाइम। एंड बहुत ही बढ़िया सी पैकेजिंग के अंदर कोल्ड कॉफी सर्व करी गई है। आई एम सो थ्रिल्ड टू ट्राई दिस। ओह माय गॉड, तीखा खाने के बाद अगर आपको ठंडा दूध कहीं से मिल जाए पीने को, तो वो आपकी जो टेस्ट बर्ड है ना उनको नॉर्मलाइज कर देते हैं। वही काम ये कॉफी करिए, बहुत ही फैंटास्टिक कॉफी बनी है ये वैन के अंदर। सो गाइस अभी तक आपने चिकन शोरमा खाया होगा, बट यहाँ महावीर नगर क्योंकि वेजिटेरियन है तो यहाँ पे मिल रहा है पनीर शोरमा। तो हेलो भैया, नमस्ते नमस्ते, ये बताइए पनीर शोरमा कितने का है? 80 रुपए से स्टार्ट हो जाएगा क्या? कहाँ तक जाएगा? कहाँ तक जाएगा? हमको 80 रुपीज वाला एक पनीर शोरमा लगा दीजिए। ये देखिए गाइस यहाँ पनीर शोरमा बनने की जो है तैयारी हो गई, और भैया बड़े आराम से जो पनीर ग्रिल हुआ है ना उसको छड़ा छड़ा अपनी एकदम तेज धार वाली छुरी से जो है अभी देखना कैसे कड़म कुड़म कड़म गुड़म कड़म गुड़म करे चले जा रहे हैं। ये देखिए गाइस रोटी जो है सिक की आ गई। ये देखिए यहाँ पे आ गई तरीके तरीके की मेयोनीज और इनकी एक रेड चटनी। ओ माय गॉड, के अंदर ये आ गई बहुत सारी कैबेज। अरे वहाँ यहाँ पे एक पिकल बीटरूट भी डाले हैं भैया ने, वेरी नाइस। इसके अंदर ये कुछ अलग था गाइस, ये फ्रेंच फ्राइज डाल दिया हमारे शोरमे के अंदर। ये देखिए शोरमा जो है बन के एकदम रेडी हो गया। सो गाइस ये आ गया मेरा पनीर शोरमा जो मुझे पड़ा पूरे के पूरे 80 रुपीज का। देखे दिखने में तो ये बहुत ही बढ़िया सा लग रहा है, बट जो फ्रेंच फ्राइज इसके अंदर डाल दिया ना वो मुझे थोड़ा अजीब और गरीब लग रहा है, क्योंकि ये थोड़े से सॉग ही दिख रहे हैं मुझे। तो चलो देखते कैसा है। पनीर और इनकी रोटी का क्वालिटी बहुत बढ़िया, बट अगर इसके अंदर ये मेयोनीज की जगह हमस डाल देते ना तो आए हाय इस पनीर शोरमे के अंदर 4 चांद लग जाते। सो गाइस अब तक मैं 5 स्ट्रीट फूड आइटम्स खा चुकी हूँ और मेरे खर्च हो चुके हैं 460 रुपए। तो चलिए अगला स्ट्रीट फूड ढूंढते ढूंढते मैं आ गई हूँ यहाँ मोमोज वाले भैया के। तो भैया आपके यहाँ कौन कौन से मोमोज मिलते हैं? अच्छा कोई ऐसी प्लेट है जिसमें सारे मोमोज आ जाते हो? कॉकटेल मोमो है, क्या बात है, कितने का है? 130 का स्टीम है, फ्राइड 150 का। अच्छा तो फ्राइड में मतलब अलग अलग वैरायटी के फ्राइड आ जाएंगे, तो कितने मोमोज आएंगे? 10। अरे बाप रे बाप, 10 मोमोज, तो हमको फ्राइड वाला कॉकटेल लगा देना है। सो गाइस ये आ गए मेरे कॉकटेल मोमोज जो मुझे पड़े पूरे के पूरे 150 रुपीज के। सो जस्ट हैव अ लुक, देखिए दिखने में तो गाइस ये सब एक जैसे दिख रहे हैं, इसमें कॉकटेल क्या है मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा यार। हो सकता है कि इनकी फिलिंग अलग हो गाइस। तो चलो मैं इन्नी मिन्नी माइनमो करके आती हूं। इन्नी मिन्नी माइनमो टिंग टांग टांग टांग, तो ये आया। गरम इतना है खाने में पहले ही डर लग रहा है मुझे। तो कैबेज भी मिले निकल आएगा। पहले मोमो में जो है टाइम टाइप फिल्स हो गई, जो फीलिंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वही फीलिंग इस मोमो के अंदर निकल के आई है। ये थोड़ा गोल मटोल से ट्राई करके देखती हूँ किसके अंदर क्या। पहले ट्राई करने से पहले ही गाइस मैं इसको तोड़ के देखती हूँ किसके अंदर क्या है।
अरे इसके अंदर तो कौन चीज निकला, कौन चीज, एक कौन चीज वाली फीलिंग तो अच्छी है, पर ये कैबेज वाली फीलिंग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। सो गाइस, दो बार से गूगली हो रही है, कुछ अच्छा खाने को नहीं मिल रहा, पैसे और वेस्ट होते चले जा रहे हैं। तो अब मैं आपकी पास्ता हब में पास्ता नहीं खाने, यहाँ पे मैं खाऊंगी ये गार्लिक ब्रेड गाइस। और मैंने सोचा मैं स्पेशल गार्लिक ब्रेड खा लूं, जो 99 रुपीज में दो पीस आएंगे, इसके अंदर बहुत सारी चीजें डालेंगे भैया। तो चलिए भैया, तो मेरे को एक ये स्पेशल गार्लिक ब्रेड डाल देना, क्या क्या डालोगे उसके ऊपर? अच्छा, जो जो पिज्जा की टॉपिंग रहती है वो सारी गार्लिक ब्रेड रहेगी, क्या बात है। तो दो बना देना, दो जैन खाओगे की रेगुलर? अरे भैया, गार्लिक ब्रेड को जैन गार्लिक ब्रेड कैसे करोगे? बना लेते हैं लोग बिना गार्लिक के गार्लिक ब्रेड? नहीं, हमें तो भर भर के गार्लिक डालना, क्योंकि हम गार्लिक ब्रेड खाएंगे, हम जैन गार्लिक ब्रेड नहीं खाएंगे। ये देखिए गाइस, हमारी नॉर्मल गार्लिक ब्रेड बनना तैयार हो गई, हमने जैन वाला ऑप्शन नहीं लिया। ओह माय गॉड, ये तो बहुत सारी आग वाग निकाल दी भैया ने। ये दो गार्लिक ब्रेड, भैया ये दो ब्रेड हमारी की जल तो नहीं जाएंगी? मम्मा, ये वैसे यार इनका तरीका बहुत अच्छा लगा मुझे गार्लिक ब्रेड बनाने का, तवे को एकदम आग से जला जला के जो है गार्लिक ब्रेड बनेगी। ये देखकर ही ना मुझे गर्मी लगने लगी यार, इतनी आग निकाली इन्होंने। ये देखिए गाइस, हमारी गार्लिक ब्रेड एकदम से फुल्ली फुल्ली टोस्ट हो गई है, बहुत ही गजब की दिख रही है ये। अब ये गैस में भर भर के गार्लिक, ये देखिए, ये मेयोनीज नहीं है भैया ने बोला है, ये लिक्विड चीज है। और अब आ गई मेरी गार्लिक ब्रेड की टॉपिंग, ये गैस स्वीट कॉर्न, ये देखिए, ओहो क्या मोटे मोटे ऑलिव भैया लेकर आए हैं। और एक गार्लिक ब्रेड में लगता है दो ऑलिव डालेंगे, अरे तीन तीन तो डाल दो, ये हमारे लिए स्पेशल तीन तीन ऑलिव डाले गए इसके अंदर। ओ माय गॉड, इसके अंदर ऑलिव भी आएंगे, लवली। यानी देखिए छोटे छोटे पनीर के पीसेस भी आगे, मतलब इतनी सी गार्लिक ब्रेड के अंदर इतनी सारी टॉपिंग्स आ रही है कि देखकर ही मैं सही बोलूं पहले से ही मेरा दिल खुश हो गया। ये क्या गाइस, इसके ऊपर पेपरिका मसाला, ये देखिए गाइस, अब आ गई इसके ऊपर भर भर के चीज चीज चीज। एंड ओ माय गॉड, जस्ट लुक एट दिस, इसको ब्लो टॉर्च से इस चीज को पिघलाया जा रहा है। आगे मेरे 100 रुपए की गार्लिक ब्रेड, और ये देखिए 100 रुपए में यहाँ पे दो दो गार्लिक ब्रेड आई है, फुल्ली लोडेड विद चीज है। इसके ऊपर भैया ने ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स भी डाले। मैं आपको सही बताऊं, ये दो गार्लिक ब्रेड को बनाने में जो मेहनत और जो प्यार और जो शिद्दत दिखाई है ना भैया ने, उनको हैट्स ऑफ है। दिस इज सो गुड, मैं बिलीव नहीं कर रहा था कि मुंबई की स्ट्रीट में इस तरीके की गार्लिक ब्रेड खाने को मिल जाएगी। दिस इज अमेजिंग, मतलब दिस इज पैक्ड विद फ्लेवर, चीज इसके अंदर डाली है भैया ने, और ब्लो टॉर्च करा था ना, ओ माय गॉड, सोने पे सुहागा था। सो गाइस, अब तक मैंने खा लिया 7 स्ट्रीट फूड और अब बचे मेरे पास 290 रुपीज। अब जो है मैं अपना फेवरेट स्ट्रीट फूड खाने आ गई हूँ, वो है गाइस यहाँ पे मिल रही मस्त मस्त पानी पूरी। तो भैया कितने की है पानी पूरी? 30 रुपीज की। तो एक प्लेट तो पहले पानी पूरी खिलाओ। ये देखो, यहाँ बम्बई में डालते हैं रगड़ा अपनी पानी पूरी के अंदर। ये गई मीठी वाली चटनी, एंड ये देखो आगे, ये आगे गई पहली पानी पूरी। तो भैया पानी पूरी तो बहुत गजब की थी, अब सेव पूरी कितने की बताई थी आपने? 30 रुपीज। तो 30 रुपीज में तो बहुत सारी आएंगी ना, तो हमको करो ऐसा करो, एक बना दो 10 रुपए की सेव पूरी, सिर्फ ओनली वन पीस भाई। अब और नहीं खा सकते, इतना खा लिया हमने, हमारा पेट कहीं फट फुट ना जाए, तो हम एक सेव पूरी खाएंगे। ये देखिए गाइस, ये भैया ने इतनी मेहनत से मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक सेव पूरी बनाई है, और इसमें इतनी सारी चीजें डाली है कि मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी दाल मोठ मूंगफली सेव है सब डले हैं। तो चलो अब चीयर्स। पूरी बनाई है, सही बोलूं एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी है, टमाटर प्याज चटनियों का जो स्वाद आ रहा है ना, और स्पेशल ये छोटी वाली नमकीन डाली ना, एकदम काबिले तारीफ है। इट्स डिजर्ट टाइम गाइस, और डिजर्ट खाने के लिए मेरे पास बचे पूरे के पूरे 250 रुपीज। अब मैं आ गई हूँ स्विस वॉफल का, यहाँ पे दिख रहे हैं बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट तरीके के वॉफल। देखिए, ये देखते ही तो मेरा मन डोल रहा है, ये छोटा वॉफल है, ये बड़ा वॉफल, ये देखो गाइस, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक स्पेशल वॉफल 240 रुपीज का। अच्छा तो अच्छा, ये तो पता है आपको इसमें से स्पेशल वॉफल कौन सा है? ये मार्शमेलो, ये स्पेशल वॉफल है, इतना छोटा 240 वाला, बड़ा भी मिलता है। तो मेरे पास 250 रुपए बचे, मेरे को 250 रुपए का लगा देना जरा स्पेशल वॉफल। ये देखिए गाइस, यहाँ पे मेरा वॉफल बनना स्टार्ट हो गया है, जस्ट लुक एट दिस, एकदम मतलब चॉकलेट के अंदर नहा धो चुका है, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, क्या डिजाइन बनाई है, मजा आया देख कर, ऐसा लग रहा है चॉकलेट का स्विमिंग पूल बन चुका है। एंड हियर कम्स माय व्हाइट चॉकलेट, वाओ। और अब बारी है इसको और गार्निश करने की, तो यहाँ पे भैया गार्निश कर रहे हैं मार्शमेलो के साथ।
सो गाइस ये चैलेंज हम जीत चुके हैं क्योंकि लास्ट 250 रुपए की आई है ये डिजर्ट एंड जस्ट लुक एट दिस दिस इज चॉकलेट ओवरलोडेड वॉफल्स और इसको गार्निश करा है इतने सारे मार्शमेलो आलमंड एंड बहुत सारी चॉकलेट सॉस के साथ। चलिए ओ बाप रे ये स्टिक तो हिल रही है गाइस, ये तो हिल रहा है, मुझे डर लगा रे मम्मा गया ये मेरा वॉफल बहुत ही गर्म है। Oh my God, this is so good. आज के चैलेंज का ये सबसे 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 अच्छा रिजल्ट ही मुझे लगा। और अगर आज के चैलेंज आपको अच्छा लगा है तो गाइस लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। अब मिलूंगी अगले चैलेंज, तब तक के लिए बाय।